नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जिन कहानियों के बारे में बताएंगे उन्हें देखकर आपके मन में सुंदरता के जो स्थापित मायने हैं वो हमेशा के लिए बदल जाएंगे, भले ही वो अनूठापन आपका खुद का चुनाव ना हो। ये अविश्वसनीय कहानी थाईलैंड की बटिंडा चिन्ना वोंग की है। ये लड़की बिन हाथों के पैदा हुई थी और उसका एक पैर दूसरे से छोटा भी था। बटिंडा की माँ उसे देखकर वैसे ही सदमे में थी। ऊपर से डॉक्टरों ने बताया कि उसकी बच्ची ज्यादा से ज्यादा एक साल तक जीवित रहेगी, लेकिन उस बच्ची ने पिछले महीने न सिर्फ 20वां जन्मदिन मनाया बल्कि वो आज टिकटॉक की बहुत बड़ी स्टार भी है। वो मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाती हैं जिसमें वो सारा मेकअप अपने पैरों से करती है और ये देखने में इतना अच्छा लगता है कि उसके 50 लाख से अधिक फॉलोअर्स हो गए हैं। सोचिए इनकी रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत होगी जो इतने बड़े स्तनों को रोज संभालती है। वैसे जैसा कि स्वाभाविक है, अमेरिका की एलर्जा कोल जिम में बहुत सारा समय बिताती है, लेकिन वो हमेशा ऐसी नहीं थी। ये स्तन परिणाम है ढेर सारी सर्जरीज का। एलेग्रा के स्तनों का वजन आज करीब 20 किलो तक हो चुका है। यदि आप उनकी पुरानी फोटोज देखेंगे तो उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। लोग हमेशा उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और वो हर बार कहती हैं क्योंकि मैं यही करना चाहती हूं। वैसे अब इसका क्या जवाब दिया जा सकता है। इस बात की कल्पना करना भी कठिन है कि ये बूढ़ा आदमी अपनी असामान्य गर्दन के कारण रोज कितना दर्द झेलता होगा। ये तक पता नहीं चल पाया है कि उनकी बीमारियां क्या है, पर हम ये जरूर मानना चाहेंगे कि उनके आसपास उन्हें प्यार और देखभाल करने वाले लोग जरूर होंगे। ये मरिमर कोरुआ है। कैलिफोर्निया में रहने वाली इस लड़की की असामान्य शक्ल भी उसे यूट्यूब पर 5 लाख फॉलोअर्स तक पहुंचाने से नहीं रोक पाई, और उसे वैसे इस बात की परवाह भी नहीं है कि वो कैसी दिखती है। वो अपने ब्यूटी और मेकअप वीडियोस की वजह से वर्ल्ड फेमस हो चुकी है। मरिमर का चेहरा सिस्टिक हाइग्रोमा के बढ़ने के कारण ऐसा दिखने लगा है। पहले तो उसने परंपरागत सुंदरता प्राप्त करने के लिए बहुत सारी सर्जरीज करवाई, लेकिन असफल होने के बाद उसने उसी की तरह के लोगों से बातें करनी शुरू की और उसने अनुभव किया कि समाज में जो सुंदरता के मापदंड हैं, उनके पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी है अपने आप में खुश रहना। आज मलेशियन मॉडल इविटा डेल मुंडो के बहुत से फैंस को लगता है कि वो बहुत खूबसूरत हैं, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। बचपन में उसे चॉकलेट चिप कुकी कहकर चिढ़ाया जाता था। उसे स्वयं को स्वीकार करने में इंटरनेट ने बहुत सहायता की है। उसे अब जाकर विश्वास हुआ है कि दुनिया के सभी लोग उसके क्लासमेट्स की तरह बुरे नहीं है। इविटा आने वाले समय में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने पर भी विचार कर रही है। हम सभी की शुभकामनाएं उनके साथ है। पता चला है कि थंबेलिना वास्तविक जीवन में भी होते हैं। दिखती तो वो किसी बच्ची की तरह है, लेकिन उसका चेहरा बड़ों की तरह है, और इसके पीछे कारण बहुत सीधा है, क्योंकि वो 20 साल की जो होने वाली है। ये असर है अनुवांशिक बीमारी एकोंड्रोप्लासिया का, जिसका कोई उपचार दुनिया में उपलब्ध नहीं है। दुर्भाग्य से उसे सामान्य जीवन जीने में बहुत दिक्कतें हैं, जैसे कि वो दूसरे बच्चों की तरह स्कूल नहीं जा सकती, पर उसकी उम्र का कोई भी बच्चा उसके फैंस की संख्या की बराबरी नहीं कर सकता। क्रिस्टीन ओलिवेरस को करीब करीब 70,000 लोग टिकटॉक पर फॉलो करते हैं। इस लड़की को न्यूरोफिब्रोमेटोसिस नाम की बीमारी है जो कि अनुवांशिक है, लेकिन वो इसके बावजूद कैमरे का सामना करने से नहीं डरती है, बल्कि वो तो दूसरों को भी स्वयं को जैसे हैं वैसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। सक्सेसफुल ब्यूटी ब्लॉगर लिली अपने बहुत से वीडियोस में दूसरों से अलग बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। उसके लाखों फॉलोअर्स हैं जो उसके शानदार मेकअप लुक्स को बहुत पसंद करते हैं। दुर्भाग्य से उसे एक बहुत दुर्लभ अनुवांशिक विकार है जिसे मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम कहा जाता है। इस रोग में मानव शरीर के बोन टिश्यू कनेक्टिव टिश्यूज से बदल जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन, शरीर के विभिन्न अंगों और चेहरे के असामान्य विकास जैसी बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं। वैसे लिली 7 साल की उम्र तक सामान्य बच्चों की तरह थी और इसलिए उसे अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति का अभ्यस्त होने में बहुत कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और ग्रेजुएशन करने के बाद ब्लॉगर के रूप में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसे नफरत करने वालों को धन्यवाद देना जरूरी है उसकी सफलता के लिए। एक नफरत करने वाले यूजर ने उसके वीडियो को बहुत ही आपत्तिजनक कमेंट्स के साथ ऑनलाइन पोस्ट किया, पर उससे नफरत की बजाय लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया और वो फेमस हो गई। इसी को तो ईश्वर का न्याय कहते हैं शायद।
सबसे बड़ी कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत में बदला जा सकता है। दुर्लभ बीमारी मैफ्यूसी सिंड्रोम से पीड़ित इस लड़की की यही तो कहानी है। अपने छोटे कद और छोटे पैरों को लेकर दुखी रहने की बजाय उसने फैशनेबल हाई प्लेटफॉर्म वाले स्नीकर्स पहनने का फैसला किया। एडिडास यीजी बूस्ट के विपरीत इस तरह के जूतों की जोड़ी किसी के भी पास नहीं है। ये इतने आरामदायक है कि आप इनमें गोल्फ भी खेल सकते हैं। भीड़ से अलग दिखना कुछ लोगों की पैदाइशी मजबूरी होती है, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भीड़ से अलग दिखने के लिए खुद ये रास्ता चुनते हैं। उदाहरण के लिए ब्राजील के इस टैटू आर्टिस्ट को ही लीजिए। वो खुद को शैतान कहता है और शैतान की तरह दिखने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इस शैतान ने अपना चेहरा टैटू से भरवा लिया है, अपनी त्वचा के नीचे इम्प्लांट लगवा लिया है, अपनी नाक का ऊपरी हिस्सा कटवा कर अलग करवाया हुआ है और अपनी बाएं हाथ का अंगूठा भी काट कर निकलवाया है। यानी कि उसके कस्टमर सच में शैतान के साथ सौदा कर रहे हैं। कैमरून की रहने वाली जूलियन का जीवन मुश्किल से भरा हुआ था। उसे न केवल बच्चे बल्कि बड़े भी घृणा से देखते थे। उसकी माँ बताती है कि उसके असामान्य पैरों की वजह से कुछ स्थानीय लोग उसे डायन कहने लगे थे और उसकी छाया से भी बचते थे ताकि उसकी बीमारी उन्हें ना लग जाए। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया और किसी सपने की तरह जूलियन की कहानी एक चैरिटी तक पहुंची, जिसने उसके पैरों का फ्री ऑपरेशन करने का प्रस्ताव दिया। अब इस प्यारी लड़की के पास एक नया जीवन है, वो जीवन जिसमें अब वो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रही है। ब्राजील के टैटू आर्टिस्ट के उलट भारतीय बालक मोहम्मद कलीम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि उन्हें कोई शैतान का बेटा कहकर बुलाए। हालांकि उसके ना चाहते हुए भी ये निकनेम उसके स्थानियों ने उसके असामान्य आकार के हाथों के लिए दे दिया था। ये हाथ लोगों को इतने डरावने लगते हैं कि उसकी इस असामान्यता की वजह से उसे स्कूल्स ने एडमिशन देने से ही मना कर दिया था। लेकिन सभी मुश्किलों के बावजूद कलीम ने हिम्मत नहीं हारी। वीडियो देखकर लगता है कि ब्लॉगिंग के लिए उसके पास नेचुरल टैलेंट है। साथ ही इंस्टाग्राम पर उसके हजारों फॉलोअर इस बात को सिद्ध भी करते हैं। इस दुनिया को नए तरह के पॉप स्टार्स की बहुत सख्त जरूरत है। हर कोई परफेक्ट बॉडी पाने की चाह वाली बीमारी से पीड़ित है। यदि हाँ, तो ये महिला एक बेहतरीन विकल्प सिद्ध हो सकती है। इनकी जगह कोई और होता तो शायद अपने रूप की वजह से घर से बाहर ही नहीं निकलता। लेकिन इस 40 वर्षीय महिला ने बिना किसी की परवाह किए अपना जीवन अपने संगीत के प्रेम के लिए समर्पित कर दिया, बल्कि वो दूसरों के लिए परफॉर्म भी करती हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग उन्हें बहुत प्यार दे रहे हैं। नहीं, ये लड़की ऑस्ट्रियन सिंगर कॉन्चिता वर्स्ट की कॉपी नहीं कर रही है। इसकी दाढ़ी असली है, जो कि हार्मोन असंतुलन का परिणाम है। कुछ साल पहले तक हरनाम कौर अपनी इस विशेषता पर बहुत शर्मिंदा थी और अपने चेहरे के बालों को लगातार शेव और ब्लीच करती थी, लेकिन अब वो अपने अनोखेपन पर गर्व करती है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि उसकी अब मॉडलिंग एजेंसीज और टॉक शोज में बहुत डिमांड हो गई है। अगर आपको भी पूरे दिल से कुछ चाहने पर मिलने की बात पर विश्वास नहीं है, तो फिर अगली कहानी आपके लिए ही है। कैनिया सिजर हाई स्कूल के दिनों से मॉडलिंग करने का सपना देखती थी, पर एक समस्या थी। वो ये थी कि बिना पैरों के पैदा हुई थी, फिर भी वो बहुत सी एजेंसीज में ऑडिशन देने जाती रहती थी, बावजूद इसके कि उसे बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता था। पर एक दिन उसकी जिद जीत गई और उसे एक लॉन्जरी ब्रांड वालों ने नोटिस किया। और अब वो रोज $1,000 से ज्यादा कमाती है। साथ ही साथ वो एक प्रोफेशनल स्केटर भी है। पहली नजर में आपको ये लड़का किसी आम मस्खरे की तरह लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर अभियान के लिए काम कर रहा है। सच ये है कि ये ब्लॉगर मर्फन सिंड्रोम नामक बीमारी से पीड़ित है और इसी वजह से उसकी गर्दन इतनी लंबी है। अगर इस बीमारी का उचित इलाज ना हो तो आदमी के 40 साल से ज्यादा जीने की संभावना भी नहीं होती है। इसलिए इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना बहुत महत्वपूर्ण काम है, जो कि अपने 45 लाख दर्शकों के लिए करता है। Mom.
ईयर टनल्स भले ही 2007 से फैशन में ना रहे हों, लेकिन वे अभी भी बहुत आकर्षक लगते हैं। पर इस फैशन से कानून पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये टैटूज से भरी मैडम इन प्रभावों से बिल्कुल भी नहीं डरती हैं, और उसने इन खींचे हुए कानों को छुपाने के लिए चतुराई से भरी ट्रिक भी निकाल ली है। उसके हजारों फॉलोअर्स को उसका ये आइडिया बहुत पसंद आ रहा है। वैसे